तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मैंग्रोव्स, हैनोवर मैंग्रोव्स के यहाँ पे। ओके, कितना बजा है? उस 1:30 बजा है। चलो देखते हैं आगे जाके कैसे रखे है, क्या टिकट है, क्या है। ये पार्किंग एरिया था, गाड़ी पार्क किया है। यहाँ से देखते आगे। ये टिकट्स है 10 रुपीज़ पर पर्सन। ओके, एंड बोटिंग करना है तो बोटिंग का आगे अलग है। ये है हमारा मैंग्रोव क्रीक। एक अच्छा है कि यहाँ पे जाने के लिए ब्रिज जैसे बनाया हुआ है। तो आप एक्चुअली अंदर जाके देख सकते हो, मतलब तो फील कर सकते हो मैनक्रोस को। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे सही तरीके से ऐसे ब्रिज बनाया हुआ है लकड़ी का। एक मिनट सामने से दिखाता हूँ। ये दोनों, मतलब दोनों तरफ मैंग्रोव ट्रीज है। ये ऑलमोस्ट एक 5-6 फीट के ऊपर तरफ ब्रिज बनाया हुआ है। ओके, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, मतलब इतने नज़दीक, क्योंकि नॉर्मली कैसे रहते हैं मैंग्रोव ट्रीज रहते, जहाँ पर भी रहते हैं कीचड़ रहता है, तो आप इनको इतने नज़दीक से नहीं देख सकते। इतने अंदर जंगल में जाके तो पॉसिबल इज नहीं है। मैं खुद कोस्टल एरिया में रहता हूँ, मुझे पता है। तो ये एक सीरियसली बहुत इनिशिएटिव है, मतलब मुंबई में भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और टूरिज़म भी बढ़ेगा, एंड उसके साथ लोगों को थोड़ा सा अपने नज़दीक के एरिया का बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी पता चलेगा। बाय द वे, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी करते हैं, उसके 1000 रुपीज़ है। यहाँ पे ऑलरेडी चालू है इसलिए मैं रुका हूँ। चलो फिर आगे जाते हैं। सो अगर करना है यहाँ पे रहते हो तो प्री वेडिंग शूट के लिए यहाँ पे आ सकते हो। उसके लिए आई थिंक चार्जेस लेते हैं, थिंक 1000 रुपीज़ है, बोर्ड पे लिखा हुआ था। एल्स नॉर्मल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है आपको टीबी के लिए इसकी, या फिर इसे मस्त प्लेस है, एक बार तो मतलब यहाँ पे हो तो डेफिनेटली विज़िट करना। 10 रुपीज़ टिकट है, सो इट्स मिनिमल। पार्किंग के लिए भी जगह है, एंड अगर बोटिंग करोगे तो बोटिंग के 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ है, पर 100 रुपीज़ पर पर्सन है। तो आगे जाके हम लोग अभी बोटिंग भी करते हैं। ओके, चलेगा, देखते बोटिंग कहाँ पे है। आई थिंक आगे है बोटिंग, चलो देखते हैं वहाँ पे। तो अभी चालू हो गई हमारी मैनग्रोव सफारी।
अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। ये हाथ कढ़ाता तुम्हारे दस पंद्रह मिनट का राइड था। चलो सही है। चलो अभी उतरते हैं। सो जस्ट अभी खत्म कर दी बोट राइड। 15 मिनट था, 10-15 मिनट, 15 मिनट पकड़ लो। ओके 100 रुपीज़ में इनफ है, मतलब ओके है पर आर 100 रुपीज़। ओके सॉरी पर पर्सन 100 रुपीज़। ओके एक मैनग्रोव का फील आ जाता है कैसे है, थोड़ा सा नज़दीक, स्पेशली जो लोग को पता नहीं है, मैं कोस्टल साइड में रहता हूँ, नेटिव प्लेस भी कोस्टल में ही है, तो मुझे पता है ये मेरे लिए, मतलब देखे हुए बहुत बार, लेकिन जो कोस्टल साइड में फर्स्ट टाइम आते हैं, मोस्टली हिली एरिया में रहते हैं, उनके लिए सीरियसली एक अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके एक मिनट, ये बोट के यहाँ से भी है, यहाँ से भी आगे जा सकते हैं। अब मैं थोड़ा अभी नहीं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सेम ही रहेगा। ओके तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं रिटर्न। ओके बीच में वीडियो में देखा ही रहेगा आपने। सो अभी जाते हैं मुरुडेश्वर के लिए लंच करके। सो चलो अभी मिलते हैं मुरुडेश्वर में।